मगैया जवान की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहिएगा इससे? बहुत बहुत खुशी की बात है पूरा तमाम कलाकारों के लिए कि जिन जिनको वो गाली देता था, डेली टारगेट करता था, उसको सबक मिलना चाहिए था और मिल गया है। और इसके लिए गया पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दुर्ग छत्तीसगढ़ से उन लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ गया लाए हैं और डेली वो रिमांड पे जा रहा है क्योंकि बहुत सारे FIRs हुए हैं। मैम, जो दिन रात अश्लीलता के खिलाफ बोलते थे आकर, उनकी पत्नी ने भी उनके ऊपर FIR करा रखा था। हाँ। और एक और खबर निकल के आ रहा है कि किसी लड़की के साथ और उन्होंने गलत किया था। इन विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों को जो समाज में खुद गंदगी फैलाते हैं और बाद में ऑन कैमरा आकर अपने आप को अच्छा दिखाने को? एकदम आप सही बोल रहे हैं। देखिए देखिए पब्लिक जो है ना हमारी भोली भाली है, जो श्रोता है हमारी बहुत ही भोली भाली है। उनको ये नहीं पता होता है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि फेसबुक पे आके कलाकारों को गाली दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन वो अच्छा आदमी कहीं से नहीं है क्योंकि अच्छाई तो अपने घर से शुरू होती है ना। घर ही उसका जब नर्क बना हुआ है, उसकी पहली पत्नी केस की हुई है, उसके ससुर जी का भी बयान आने वाला है। ससुर जी जो पहले ससुर जी थे ना वो भी केस कर रहे हैं इस पर, और एक की तो शादी होने वाली थी, अब पता नहीं उस बेचारी पर क्या होगा। वो हो सकता है वो भी छोड़ के भाग जाएगी इन लोगों का कारनामा देख के। तो ऐसे लोग कभी गंदगी नहीं साफ करते, ये लोग बस अपना अकाउंट भरता है पैसा कमाता है लोगों को गाली देके। लेकिन ये ज़्यादा दिन, हम तो पहले भी बोले थे कि ज़्यादा दिन तो ये सब चलने वाला है नहीं, और वो देख लीजिए आप लोगों के साथ नहीं है। ऐसे समाज से क्या कहना चाहेंगी जो बस कोई आकर कैमरे के सामने अच्छा बोलता है और उसे लोग अच्छा मान लेते हैं बिना जाँचे और परखे कि उसके पीछे क्या चल रहा है? समाज को इन सब चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है। देखिए हम लोग कलाकार हैं, हम लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं ना, लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं। लोगों को जैसे कोई भी गाना मेरा DJ में बज जाए या किसी सिंगर का भी DJ में गाना बज जाए तो कितनी खुशी होती है, सब लोग उस पर नाचते हैं। चाहे गाना कोई भी हो, म्यूज़िक कोई भी हो, लेकिन लोग नाचते हैं तो हम लोग कभी कभी देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। तो हम लोग लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं, किसी का दिल तोड़ने के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग प्यार बांटने के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर है जातिवाद किया जा रहा है, क्षेत्रवाद किया जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है कि अगर ये खेसारी की तरफ से बोल दी तो ये खेसारी की टीम की हो गई, अगर पवन जी की तरफ से बोल दी तो पवन जी की हो गई। मेरे लिए तो खेसारी जी पवन जी बराबर है, दोनों के साथ हम काम किए, दोनों के साथ हम स्टेज प्रोग्राम किए, गाना गाए हैं, तो हमारे लिए दोनों कैसे अलग हो सकते हैं, दोनों हमारे अपने हैं। लेकिन यहाँ पर वो तोड़ा जाता है, तोड़ने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों वाला नीति अपनाया जा रहा है, फूट डालो शासन करो वाला। लगातार आपको भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे मगैया जवान, हमेशा वीडियो भी जारी करते थे, क्या कहिएगा? तो उसकी सजा मिली ना, हम भी FIR किए हैं, धारा कौन सा लगा 504 क्या 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 लगा है उन पे। हमारी तरफ से भी पटना में भी रिमांड किया जाएगा उनको, अभी वो गया में है, यहाँ भी पटना में रिमांड पे लाया जाएगा। मैम से बात हुई है यहाँ महिला थाना से, और किसी को भी गाली देना आसान नहीं है। आप किसी की भी बेटी बहू को या फिर किसी भी कलाकार को गाली नहीं दे सकते, यहाँ तक मीडिया को भी गाली नहीं दे सकते हैं। हम आप ही लोगों में से किसी का वीडियो देखें, कोई एक और यूट्यूबर जो अभी उसके जैसा पैदा ले रहा है कुछ मुकुट नाम का है, तो वो सबको मेरा भी फोटो बिगाड़ के वीडियो बनाता रहता है। आप लोगों में से इनका भी बनाया है, आपका भी देखे थे, और बहुतों को और उल्टा पुल्टा बोलता है। उसके उल्टा पुल्टा बोलने से हम क्या वैसे हो जाएंगे, सर्टिफिकेट देने वाला हो गया है वो, जज है। मैम कहा जाता है कि मगैया जवान बहु बेटी के बोलता है कि बहु बेटी का हम रक्षा करते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? बहु बेटी की रक्षा करता है तो आप लोगों को तो बता ही दिए ना कि कितना रक्षा करता है। एक बीवी को छोड़ दिया और दूसरी को भी छोड़ने के कगार, दूसरी भी जो है वो भी मतलब उसको छोड़ने के कगार पे है। दो बेटियाँ हैं उसकी, बताइए उस पर क्या बीतेगा, उसकी दो बेटियां हैं। अच्छा खुशबू उत्तम तो खुद एक लड़की हैं, उनके मुहिम का कितना समर्थन करती थी जब वो पहले आए थे ये कहते हुए कि हम अश्लीलता को खत्म करें, खुशी होती थी हमको ऐसा लगता। देखिए हम भी पटना से हैं तो हमको खुशी होती थी कि कोई मगहे में बोल रहा है, ठीक है बड़ा मगहे में स्टाइल में बोल रहा है। भोजपुरी तो हम गाते हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में प्यार रहता है कि चलो अपनापन जैसा लगता है तो अच्छा लगता है। तो हमको खुशी हुई थी शुरुआत में मगैया जवान को देख के कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एकदम मगहे में बोली था तीन, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ कि वो थोड़ा सा ना ट्रैक चेंज हो गए, वो टारगेट एकदम करने लगे कलाकारों पर। तो वो सोचे ना सबसे आसान है कि कलाकारों को गाली दो और उसके बाद अपना दम पब्लिसिटी बटोरो, और लोगों को गाली लिखने में, गाली कमेंट में लिखने में, गाली सुनने में पता नहीं कितना मजा आता है हमको, मतलब आश्चर्य होता है इस बात पे कि गाली सुनने में पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। माँ बहन की गाली लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे कमेंट में भी देखिएगा भरमार लगा हुआ रहता है फेसबुक पे, ठीक है। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, दीजिए आपका संस्कार है गाली देना,
तो उनको सजा मिल रही है और बहुत खुशी की बात है। भगवान से हम यही चाहेंगे कि अभी और दो तीन को जो कुकुरमुत्ता जैसा उगा है फेसबुक यूट्यूब पे, उसको देखा देखी वो भी लोग अंदर जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। ठीक है, खुशी की बात तो है। खुशबू उत्तम कितना खुश है मगहिया जवान के अंदर जाने। हमको देख के क्या लगता है आप लोगों को? मैम आप तो हमेशा से ही हंसमुख रही हैं, इसलिए आपको देख के जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस माहौल में आप कितनी खुश हैं। हम बहुत खुश हैं, हम तो मंदिर भी गए थे, बिहानो के हनुमान मंदिर, फोटो देखे होंगे आप लोग। लड्डू उड्डू बांटे थे कि नहीं? देखे नहीं है ब्लॉग वीडियो में, नहीं देखे? लड्डू भी है मेरे हाथ में। ऐसा नहीं है हम हर मंगलवार को जाते हैं हनुमान जी से मिलने, लेकिन खुशी हुई। हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे पापियों का नाश करें, और ऐसे ऐसे पापियों, हम क्या बोले थे कि दुर्गा जी हैं हम। लेकिन हम दुर्गा जी नहीं है, हम एक आम इंसान अच्छा, हैं। ये बात बताइए, मगहिया जवान सबका नाम चेंज कर देते हैं, जैसे खेसारी का मसूरिया कर दिए हैं, और भी बहुत सारे सिंगर हैं जिनका नाम चेंज कर देते हैं, आपका भी नाम चेंज किए हैं वो? हाँ, कचरा उत्तम। इसपे क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर उसके चश्मे में ना, उसके लेंस में जो आई बॉल है ना उसका, उसके आई बॉल में कचरा है, तो सबको वो गंदगी, सब मतलब उसको पूरा दुनिया गंदगी दिखाई देती है। उसको अपनी बेटी में भी गंदगी दिखाई देती है, उसको अपनी बीवी में भी गंदगी दिखाई देती है, उसके ससुर जी बेचारे रो रहे थे। बहुत जल्दी वो वीडियो रिलीज होगा, और इसके लिए मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने छत्तीसगढ़ से पकड़वाया, राजीव शर्मा जी, अखिलेश कश्यप जी, खेसारी लाल की खेसारी लाल